मुजफ्फरपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में घूमते घूमते एक दुकान दिखा, हमने सोचा कि यहाँ रुका जाए। उसके बाद ये भाई साहब मिले, ये पहले दिल्ली में काम करते थे, उसके बाद बिहार चले आए। बिहार आने के बाद यहाँ काम करने लगे। कहते हैं कि हम पुलदारी करते हैं लेकिन पैसा इतना कम मिलता है ना बाबू कि घर नहीं चल पाता है। उसके बाद ये दुकान जो लड़की चलाती हैं उनसे भी हम आपको बात करवा देंगे। पहले इनका ही वृथा और इनका जो कहानी है आपको सुना देते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम हुआ रंजीत कुमार शाही। क्या दिक्कत है, क्या बता रहे थे आप? दिक्कत यह है कि जैसे जितना मेहनत करते हैं उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। हाँ। और पैसे भी टाइम से, जो भी मिलता है वो पैसे टाइम से नहीं मिलते हैं। हाँ। कौन कौन फैक्ट्री में काम करते हैं यहाँ पर? भीमसरिया राइस मिल। राइस मिल में? राइस मिल। अब 10 दिन से बंद है? अभी 10 दिन से बंद है। तो क्या कर रहे हैं 10 दिन से? 10 दिन से बस पलदारी करते हैं। गाड़ी आया तो लोडिंग किए, नहीं तो बस बैठे रहे। कहाँ से चलता है? अब महीने ये सप्ताह में 4 दिन हुआ, 3 दिन नहीं हुआ, तो भी आशा करते हैं इसी का, क्योंकि दूसरे जगह जुगाड़ नहीं बनता है। परिवार? परिवार भी है। कहाँ? घर पे है। घर कहाँ है? घर बेला छपरा। बेला छपरा है तो परिवार वहाँ रहता है। हाँ जी। काफ़ी चलाते होंगे ना? हाँ जी। तो काम नहीं मिलता है तो कैसे होता है? राशन मिलता है आपका? राशन कुछ नहीं मिलता है। राशन कार्ड है आपका? राशन कार्ड है। राशन कार्ड वो ब्लॉक कर दिया गया। क्यों ब्लॉक कर दिया गया पता किए जाके? मालूम किए, वो ये डीलर बोला जो कि जैसे इसका कुछ नहीं होगा, अब नया कार्ड बनेगा तुम्हारा। अच्छा। नया कार्ड का भी अप्लाई किए लेकिन अभी तक कोई। जब कोरोना लॉकडाउन हुआ है तो नीतीश जी कह रहे थे कि मनरेगा में सबको काम देंगे, मिला आपको? कुछ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तक कि वो बोले जो कि अनाज बटेगा, अनाज भी नहीं मिला। हाँ। कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। यहाँ का नेता कौन है पता आपको? सुरेश कुमार शर्मा। विधायक साहब हैं? हाँ जी। आते हैं सुरेश जी? भाजपा से है ना जी सुरेश जी? आते हैं? यहाँ नहीं आते हैं, बस जब मिले नहीं आप लोग? कभी नहीं, जब इलेक्शन का टाइम होता है तो आते हैं विधायक लोग। हाँ। नहीं तो ऐसे कुछ नहीं, क्या हुआ? नहीं, सही में मनरेगा में काम नहीं मिला नीतीश जी? पता है घूम घूम कर कह रहे हैं कि हम काम दे दिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। बिल्कुल नहीं। लॉकडाउन में हम लोग 3 महीना बैठ के खाए हैं, बैठ रखा हुआ पैसा रख करके खाए हैं। हाँ। लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। आइए इधर आइए, ये दीदी है, ये दुकान यही चलाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ज्योति कुमारी। शादी हो गया है जी? बताइए क्या कह रही थी। हम रहने वाले हैं पातेपुर के, यहाँ मुजफ्फरपुर में कमाते हैं खाते हैं। हम लोग को राशन पानी नहीं मिलता है। हाँ। हम लोग कमाते भी हैं तो चोर चुहार है, वो लोग आता है तोड़ फोड़ कर ले जाता है। हम लोग चाहते हैं कि अच्छी से कमाए, कहीं पे अच्छा जगह नहीं मिलता है। ये मुजफ्फरपुर ऐसा इलाका है गरीबों को चूसने वाला है। हाँ। और हम लोगों को ना राशन पानी, लॉकडाउन में हम लोग भूखे मरे हैं, हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है। लोग कहता है कि मोदी यह दिया है वो दिया है, हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है। इसी में दुकान चलाती है? ये दिखाई ना, वो फॉर्च्यूनर के उस क्या बोले पाँव के रखने वाले पावदान से बढ़िया पावदान यहाँ लगा हुआ है। ये वो लोग हैं ना सर जो वोट देकर आपको वहाँ बैठाए हैं, जहाँ बैठ कर आप आज चुस्की लेते हैं। और इनका पैर देखिए, पैर का निशान ही है सर, ठीक है, इनका पैर यहाँ पड़ता है। दीदी विधायक साहब आते हैं जी? नहीं कभी नहीं आते। एक बार भी नहीं देखी आप? हम लोग चिंते भी नहीं है उनको, कैसे हैं वोट देती हैं जी? वोट साले साल लेते हैं, कुछ मिलता नहीं है हम लोगों को। तो वोट देकर मैंने कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं है। हम लोग तो सोचते हैं इस बार वोट नहीं देंगे, देंगे इसी बात पे जो हम लोग को राशन पानी मिले, कुछ सुविधा मिले। राशन कार्ड है आपका? जी कुछ नहीं है मेरे पास। तुम बनवाए नहीं गया? 2000 रुपया घूस मांग रहा है बनवाने के लिए। हम लोग 2000 मांग रहा है? 2000 हम लोग का गाँव का मांग रहा है, जो वही लीलम जो वार्ड पार्सल है वही बोल रहे हैं 2000 रुपया लगेगा तब राशन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे जी। लॉकडाउन में कैसे खाए आप, दिक्कत हुआ? हम लोग बहुत दिक्कत से खाए हैं, हम लोग को तो पेट भी नहीं भर रहा था। ये बच्चा आपका है जी? पढ़ता है? पढ़ाते हैं। आप खुद ही पढ़ाती हैं जी? पति आपके? पति है। आई ना, आइए तो पति जी आइए ना, है ना? आइए ना, 1 मिनट आइए, जज आप ही के लिए आए हैं हम। 1 मिनट आइए, उदासी नहीं बताइए तो कैसे होगा? सरकार तक आपका बात हम ही नहीं पहुँचाएंगे। हो वोट लेने के लिए सिर्फ वोट लेने के लिए, वोट के समय आया तो सब आता है वोट लेने के लिए, किसी को वोट नहीं देना है। छोड़ेंगे नहीं इनको हम, आइए इधर आइए, आपको नहीं छोड़ेंगे हम। क्या नाम है? प्रमोद सर। किससे गुस्सा हो? हैं? किससे गुस्सा हो? मोदी से, हर चीज से हम गुस्सा है। क्या देता है मोदी? खाने के लिए ना हमको कुछ न, लॉकडाउन में कुछ नहीं दिया है। मास्क सैनिटाइजर नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। यहाँ तक कि उनका जैसे आदेश किया गया जो कि मास्क लगा के नहीं चलोगे तो 500 रुपया जुर्माना है। तो गरीब मास्क कहाँ से पहनेगा? और जुर्माना काटा भी है कितने से, थाने लोग जुर्माना काट काट के जैसे वो अपना कमाए करोने में, लेकिन पब्लिक को कोई सुविधा नहीं। पब्लिक को कितना सुविधा दिया गया है कितना नहीं, ये आप जानते हैं। बाकी हम फिर उनके पास चलेंगे, नहीं छोड़ेंगे आपको आज। एक मतलब खुल के बताएं ना, किससे नाराज़ हैं आप?
सिस्टम से, नीतीश से, मोदी से, किससे? किसी से हम सबसे नाराज हैं। वोट दीजिएगा इस बार? नहीं नहीं देंगे। किसको दीजिएगा? नहीं देंगे। भागी हमारे आधार कार्ड है नहीं है, पैन कार्ड है नहीं है, तो किसको हम वोट देंगे? आधार कार्ड कहा नहीं बनवाए? अच्छा बनेगा तब ना बनाएंगे, यहाँ जाएंगे 250 रुपया देने, 300 रुपया देने। 250-300 जिसके पास नहीं है वो आधार कार्ड नहीं बनवाता है। बाकी उन्होंने कहा कि चोर चूहड़ आते हैं, चोर के तोड़ के लेकर सामान चले जाते हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं है। और हमारी सरकारें लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी के पास पहुंचने का दम्भ भरती हैं। बाकी कैसे ही सब चलेगा आप देखते रहिए। ये मुजफ्फरपुर का इंडस्ट्रियल एरिया है और इस दुकान पर जिस लोगों ने जो कहा वो मनरेगा में नौकरी देने के नाम पर नीतीश कुमार के झूठ को पूरा पर्दाफाश कर रहा था। और मोदी जी से गुस्सा ये लोग क्यों हैं ये खुद ही बताएंगे। अब अंत कर रहा हूँ, मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे वरुण झा खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।